घटना घटी है आज, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? जी, जो मृतका है ये मेरे सगे मामा की लड़की है दीपा कुमारी जी। इसके ससुराल में जो इसका ससुर है सुरेश, इसकी सास बिंगला, इसकी ननद अनीता और इसके साथ साथ अनीता का जो दामाद है संदीप, ये फर्स्ट में जब इसकी शादी होके गई तो दीपा को इन्होंने दहेज के लिए परेशान किया कि आपकी जो शादी में हमने कार की डिमांड की थी, शिफ्ट डिजायर कार की डिमांड की थी, लेकिन आपने ये जो मोटरसाइकिल दी है इससे हमारी काफ़ी बेइज्जती हुई है। जो हमारा मेरा बहनोई लगता था, इसका नाम भी संदीप ही था, तो ये दहेज के खिलाफ था। मेरे मामा जी ने, मामा की जो लड़की थी दीपा मृतका दीपा, इसने मेरे मामा सुरेंद्र के पास में इसके लिए काफ़ी बार शिकायत की। मामा ने ये कहा कि भाई जो हमारा दामाद है संदीप, इसका स्वभाव अच्छा है, ये दहेज के खिलाफ है और बेटी का घर खराब ना हो इसके लिए इन्होंने कभी भी कानूनी कार्रवाई नहीं की। इसका नतीजा आज ये हुआ कि ये जो मेरे मामा की जो लड़की है मृतका दीपा, तो इसको बार बार में इसके ससुराल वाले हर बात के लिए टॉर्चर करते थे, कभी खाना नहीं देते थे, कभी और छोटी छोटी बातों के लिए घर से बाहर निकाल देते थे। तो इन सभी बातों को लेकर इन्होंने काफ़ी बार गांव में अपने स्तर पे पंचायत की, फिर भी हमने इन चीज़ों को माफीनामा कर दिया, पंचायत में लोगों के कहने पे कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जी। तो सर जैसे अभी क्या, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं जी? अभी हमें आज सुबह ही पता लगा कि भैया ऐसे ऐसे ये घटना हो गई है, हमें पूरा शक है कि इनके जो ससुराल वाले हैं, इसके ससुर सुरेश है, इसकी सास बिमला है, इसकी ननद अनीता है, इसका जो दामाद संदीप है, इन्होंने मिलके ही इनका हमें शक है, क्योंकि हमें जब मृतक मेरी मामा की लड़की मृतका दीपा, उसके जब डेड बॉडी को मैंने देखा तो यहाँ गले पे कुछ निशान मिले हैं, नाक से खून निकलते हुए पाए गए हैं, तो हमें शक है कि वो इसकी जो हत्या की गई है। तो मेरी यहाँ पे जो भी अफसर हैं, हमारे पुलिस के अफसर हैं, प्रशासन के अफसर हैं, SHO है, DSP है, SP साहब हैं, इनसे काइंडली रिक्वेस्ट रहेगी कि आप उचित जांच करवा के और उचित जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ बढ़िया से बढ़िया अच्छी से अच्छी कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि कोई भी जो भी है अपने दो मासूम बच्चों को लेके और नहर में डूबना, ये मेरे हिसाब से सबसे हार्ड सुसाइड में आता है, या मौत में आता है, या फिर इनको मारा गया है तो ये सबसे भयंकर मौत होगी, नहर में जो डूब के मरने वाली बात है, या इनको मारा गया है। इसके बारे में तो जो अफसर हैं, जो जांच करने के बाद में ही पता लग पाएगा कि ये मरी आत्महत्या की है या फिर मार के डाले गए हैं। तो जो मासूम बच्चों को साथ लेके इन्होंने आत्महत्या की है या मारा गया है, ये बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि इनको लगा होगा मृतका दीपा और उसके पति संदीप को ही लगा होगा कि हमारे सारे रास्ते बंद हो गए, तभी इन्होंने ये सुसाइड जैसा या मारा गया है तो ही ये कदम उठाया गया होगा अपने दो नाबालिग बच्चों के साथ। मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि ना जो है इनको जो भी दोषी हैं इस मामले में, उसके ससुर हो या उसकी ननद हो या उसका दामाद हो, जो भी हो, इसमें जो भी आदमी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की। आपको मामले का कब पता लगा था? मामले का सुबह करीबन 8:55 के ऊपर पता लग गया था। मेरे मामा का लड़का आज़ाद, इसके पास में जो है दीपा के ससुर का फ़ोन गया, उन्होंने बताया कि कुछ ऐसी भाई दीपा घर से लापता हो गई है। उसके बाद में मेरे मामा जी ने मेरे पास फ़ोन किया था, तो हम सभी मिलकर दीपा के यहाँ ससुराल आए, तो रास्ते में ही जो खेड़ा के पास जो बड़ी नहर है बवानी ऐसे निकलते ही उसके पास ऐसे हुजम लगा हुआ था, तो हमें इसके बारे में जानकारी मिली कि भाई इस तरह की कोई घटना हो गई है। आपको जैसे कि कहीं घूम के आए थे ऐसा भी कुछ सुनने में आ रहा है? जी जी, ये जो थी मृतका दीपा, ये मेरे मामा गांव खेड़ी दिनांक 2 तारीख को गई थी, उसके बाद में ये हरिद्वार घूमने गए थे। 9:40 पे रात को दीपा ने अपनी छोटी बहन मोनिका के पास कॉल किया था कि हम हरिद्वार से घूम के वापस आ रहे हैं और हमने अपने ससुराल में इस बात के लिए बताया, तो मेरे ससुराल वाले हमें घर पहुंचने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। खेड़ा गांव में संदीप जो हमारा दामाद था वो था, उनके घर में पहुंचने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आपने कितने लोगों के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी है? हमने जो मृतक का दीपा है
इसके ससुर है सुरेश, उसकी सास है बिमला, उसकी ननद है अनीता, और उसका जो अनीता का जो हस्बैंड है संदीप, जो भड़ंगी निवासी कनीना तहसील में है, उसके खिलाफ हमने चारों के खिलाफ हत्या के लिए के दोषी के लिए शिकायत पत्र SHO माननीय SHO साहब को हमने सौंपा है। तो ऊपर जो चार डेड बॉडियां पाई गई हैं, तो इसके बारे में बताइए कौन कौन लोग थे और ये कैसे घटना घटी? जी, ये मेरे सगे चाचा के लड़का था, उसकी वाइफ थी और उसके बेटा और बेटी थी। ये हमारी जानकारी के अनुसार, मतलब जैसे घर से वो 2 तारीख को गया है अपने ससुराल, उसकी वाइफ ससुराल में ही थी, तो ससुराल से बच्चों को लेके और घूमने की घर कह के और घर से निकला था, तो उसके बाद से कोई संपर्क नहीं था। आज सुबह 7:30 बजे यहाँ नहर के पास डेड बॉडी मिली है, तो जैसे हमें सूचना मिली तो हमें वहाँ पे पहुँचे, तो इस दुर्घटना के बारे में हमें पता चला। बच्चे की उम्र कितनी उम्र? बच्चे की उम्र 4 से 5 साल के करीब उम्र थी जी, और बेटी बस बेटे की, और बेटी लगभग 1.5 से 2 साल। शादी को कितने साल हो गए? शादी को लगभग 6 साल से ऊपर हो गई। लड़का क्या काम करता है? लड़का अपना प्राइवेट यहाँ महेंद्रगढ़ में प्राइवेट जॉब करता है। तो कारणों का पता लगता है? ये जी अभी तक कैसा कोई कारण नहीं है, कोई पारिवारिक वो नहीं था, कोई आर्थिक कोई कारण नहीं था। 2 तारीख के बाद, मतलब 2 तारीख पहले भी ऐसा कुछ नहीं था। सुसाइड नोट भी लिखा गया है इसमें? हाँ जी, वो बता रहे हैं उसमें, वही उन्होंने लिखा बताया है कि मुझे कोई, मतलब इस घटना के पीछे कोई जिम्मेवार नहीं है, मैं अपने उससे कर रहा हूँ, तो इस बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है जी। अभी घूमने कहाँ गए थे? घूमने जहाँ तक पता चल पा रहा है हरिद्वार की बता रहे हैं जी, हरिद्वार घूमने गए। तो हरिद्वार से वापस कब आए पता लगा? आज कल जो रात 6 तारीख को रात को 10 बजे के करीब ये हरिद्वार से आए हैं। तो कोई आपसी अनबन होती थी घर में प्रेम के? जी ऐसा कुछ नहीं था। सर क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह जी। आप लड़की के क्या लगते हैं? पिताजी। पिताजी जी। तो क्या मैटर था सर, जैसे पहले भी बताया गया पहले जी, ऐसा था जी कि जब शादी में कुछ इनकी डिमांड थी वो हम नहीं कर सके, फिर हमने मोटरसाइकिल दे दी, नकदी हम नहीं दे सके, गाड़ी नहीं दे सके, चौपहिया, इसलिए ये लड़की को मानसिक रूप से शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे, और इसलिए ही आज ये समय आया है। और सुसाइड नोट जो इनके बैग में बता रहे रखा है, पता नहीं उन्होंने लिखा या इन्होंने लिखा या किसने लिखा, ये तो हमें तो कोई दिखाया नहीं गया, और हो सकता है ये इन्होंने खुद लिख लिया हो, अपने बचाव पक्ष में लिख लिया हो, तो ऐसा भी हो सकता है जी। तो आप क्या चाहते हैं? हमें ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, जो दोषी है उसको सजा मिले, दोषी को सजा मिले और हमें न्याय मिले, ताकि भविष्य में किसी भी ऐसे किसी भी परिवार के साथ ऐसी कोई घटना ना घटे। शादी को कितने साल हो गए? शादी जी 1/12/2016 को हुई थी। 1/12/2016 को पहले भी शिकायत हुई थी क्या? पहले एक बार शिकायत हुई थी, तब मैं बिचौले को लेकर और जो लड़के का मामा है उसको लेकर मैं गया था 3 महीने पहले, तब उन्होंने बोला जी ठीक है जैसे रहे वैसे रह लेंगे, और ये कई बार इनको घर से भी निकाल चुके थे, रात को निकाल देते थे, ताला लगा लेते थे कि कहीं भी जाओ मैं मेरी बेटी मुन्ना का जमीन नाम करा दूंगा, मैं मेरी बेटी को ये दे दूंगा, यहाँ तुम्हारा क्या है लेना देना, तुम कहीं भी जाओ निकलो मरो। तो हमें इस के ऊपर इस बात पर शक हो रहा है कि इन्होंने किया है ऐसा हमारी बच्ची के साथ, या इनको दबाव डाला गया है कि मरने के लिए इनको प्रेरित किया है इन्होंने, कि तभी जाके जो है ये चार चार जान एक साथ गई। और कौन से गांव से? मेरा गांव खेड़ी कांटी है, तहसील अटेली, नारनोल महेंद्रगढ़। मांग कब से की जा रही थी? मांग तो जी शादी के कुछ दिन बाद से ही लड़की को प्रताड़ित किया जाता था, उसको बाथरूम यूज नहीं करने दिया जाता था, अब बोलती थी इसकी जो सास थी इसकी ननद जो दोनों पेशाब बोले बाहर करके आओ ये भर जाएगा कुआ, तो इसको बार बार छटवाना पड़ेगा, नाजायज खर्चा होगा, तो इस तरह की बातें अक्सर मतलब होती थी घर में। दीपा से आपकी आखिरी बात कब हुई थी? दीपा की मेरी आखिरी बात 2 तारीख को हुई थी, जब वो वहाँ से घर से जब ये लोग गए थे तब। 2 तारीख के बाद? नहीं, 2 तारीख के बाद कुछ बात नहीं हुई। कल ही आपको सूचना मिली थी? आज सुबह मिली है, कल भी नहीं, आज सुबह ही सूचना मेरे को दी गई है। तो बताया जा दीपा कहाँ है, मैं बोला जो दीपा तो वहाँ है। जिक्र जैसे हो रहा है कि दहेज में जैसे गाड़ी की डिमांड भी करते थे ऐसा कुछ? हाँ, गाड़ी की डिमांड थी, तभी हमने मोटरसाइकिल दी थी। कौन सी गाड़ी मांग रहे? ये 4 पहिया गाड़ी मांग रहे थे जी, मैं जमींदार आदमी हूँ, इतना मैं नाम नूम तो गाड़ियों को जानता नहीं।
खेड़ा नहर के अंदर खेड़ा गांव का एक व्यक्ति परिवार सहित डूबकर आत्महत्या करने का मामला प्रकाश में आया है, इस पर पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की? ऐसा आज एक सुबह सूचना मिली थी, अगर नहर में एक डेड बॉडी मिली सुरजनवास हेड के पास में, जिस पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची तो वहाँ पे एक नाश मिली है जो जिसकी पहचान हुई संदीप वासी खेड़ा की। उसके साथ एक बच्चा बंधा हुआ था 5 साल का, उसी का लड़का। फिर बाद में पता पूछताछ करने पे पता लगा कि उसके साथ उसकी पत्नी और बच्ची भी है, तो उसको काफ़ी प्रयास गाँव वालों की सहायता से पानी को खाली करवा के नहर को उस डेड बॉडी को उस नहर में से निकलवाया, पोस्टमार्टम के लिए यहाँ भिजवाया गया है हॉस्पिटल मौजूरी में। अब लड़की के पिता ने एक दरख्वास्त पेश करी है कि मेरे पुत्री, मेरे दामाद और मेरी दोहिती और दोहिता को तंग परेशान करते थे, जिनकी वजह से या तो इन्होंने मारा है या इन्होंने आत्महत्या करी है, जिस पर हम पुलिस कार्रवाई करके मुकदमा है। हाँ, एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। उनका जो सामान था जो नहर के पास मिला है बैग में, उसमें एक डायरी मिली है जिसमें उसने लिखा है कि मेरी आत्महत्या, हम परिवार के साथ खुदकुशी अपने आप अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं। सर, कोई सामान भी बरामद हुआ है वहाँ से? सामान 2 बैग हैं उनके, खुद के सामान हैं। कितना टाइम लगा सर ट्रेस करने में उनको थोड़ी? आज ये सुबह 8 बजे करीब सूचना मिली थी, तो काफ़ी समय, करीब 6-7 घंटे लगे हैं दूसरी बॉडी को ट्रेस करने में, बच्ची और उसकी जो माँ है उनको। ठीक है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16, जहां जाए सच के साथ।